नमस्कार दोस्तों, बोमिन ऑटो एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की अपकमिंग 5 कार्स के बारे में। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के पास अपने प्रोडक्ट का एक व्यापक पोर्टफोलियो है। कंपनी भारत में एंट्री लेवल की हैचबैक से लेकर SUV और MPV तक का निर्माण करती है, जबकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में यह सुपर कैरी से लेकर इको तक की कार की बिक्री कर रही है। इसके अलावा कंपनी भविष्य के लिए भी कई नए वाहनों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। आगामी मारुति वाहनों की सूची काफ़ी लंबी है और इन्हें हर साल पेश किया जाना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मारुति सुजुकी की 5 कार्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए पहले हम बात करते हैं नई जनरेशन मारुति अल्टो के बारे में। मारुति सुजुकी पिछले कुछ समय से अल्टो के अगले जनरेशन मॉडल का परीक्षण कर रही है और प्रोटोटाइप वाहनों को भारत की सड़कों पर कई बार देखा गया है। मारुति अल्टो देश की सबसे लोकप्रिय कार है और कंपनी इस कार को नए जमाने के अनुरूप अपग्रेड करने का कार्य कर रही है। कंपनी इस साल इस कार की नई जनरेशन को लॉन्च कर सकती है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई अल्टो थोड़ी सी बड़ी होगी और केबिन में ज़्यादा स्पेस मिलेगा। यह कार 1 लीटर वाले K10 मोटर से संचालित हो सकती है, जबकि 0.8 लीटर वाला F8D इंजन भी मिल सकता है, जो 48 PSP का पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT मिल सकता है और यह 2021 के मध्य में लॉन्च हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नई जनरेशन मारुति सेलेरियो के बारे में। न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो की तस्वीरें इंटरनेट पर भी वायरल हो रही है। नई सेलेरियो को हाईटेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और मौजूदा मॉडल की तुलना में यह थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। इस प्रकार इस इंटीरियर स्पेस और साथ साथ बूट स्पेस में भी सुधार की उम्मीद रख सकती है। वैगनार की तरह सेलेरियो को 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में मिल सकती है, जिसमें 1 लीटर सीरीज इंजन 68 BHP का पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। दूसरा इंजन आपको 1.2 लीटर इंजन मिलेगा, जो 83 PS पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और इन दोनों इंजन में आपको 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT का ऑप्शन मिल जाएगा और यह गाड़ी इस ईयर के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट के बारे में। सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट को इस साल की शुरुआत में जापान में लॉन्च किया गया था और अब मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट को संभवित इस साल लॉन्च कर सकती है। वाहन को पहले 2020 के दौरान लॉन्च करने की उम्मीद थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केवल डिज़ायर को ही फेसलिफ्ट प्राप्त हुआ। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस अधिक घोषणा नहीं हुई है, पर मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट को कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस हैचबैक में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 83 PS पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। भारत में इस कार को 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल मोटर के साथ भी पेश किया जा सकता है, जो कि 90 PS की पावर और 118 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और यह कार आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 4th कार मारुति अर्टिगा के बारे में। कुछ महीने पहले मारुति सुजुकी टोर एम को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। यह कार बिना कवर की थी, इसलिए स्पष्ट है कि कार में कोई विजुअल अपडेट नहीं होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कार में केवल मैकेनिक अपडेट मिलेंगे और टेस्टिंग के दौरान देखा गया कि मॉडल में आपको डीजल इंजन मिलने वाला है। अर्टिगा डीजल को 1.3 लीटर यूनिट या 1.5 लीटर यूनिट द्वारा संचालित किया जाने की उम्मीद है। यह आपको 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों 1.5 लीटर के साथ BS4 अवतार में 6-स्पीड MT की पेशकश की गई थी, इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा है कि जबकि यही डीजल इंजन का इस्तेमाल बाद में ब्रेजा और सियाज में भी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 5th कार मारुति वैगनार EV के बारे में। मारुति सुजुकी वैगनार EV के साथ तेजी से बढ़ के इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपना पहला कदम रख सकती है। वाहन को भारत में अनगिनत बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इसके लॉन्च के बारे में अटकलें 1 साल से अधिक समय से चल रही है।
हालांकि मारुति ने कहा है कि वैगनआर ईवी को एक कमर्शियल वाहन के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पिछली रिपोर्टों का दावा है कि इसकी ड्राइविंग रेंज आपको 140 किलोमीटर की मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी मारुति की अपकमिंग कार्स के बारे में। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी कार पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसी ही जानकारी लाता रहूँ इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।